क्या नाम है बीबी? हिफ्जा। हिफ्जा जी। उम्र कितनी है? 19 साल। शौहर तुम्हारा अपना ही था ना? जी। निकाह किया हुआ था ना उसके साथ? जी। निकाह करके आई थी? जी। लव मैरिज करके आई थी? जी। भाग के आई थी? जी। मेरी अम्मी ने बहुत मारदे हुंदे सीगे। किसको? मेरी अम्मी अबू बहुत मारदे सी मैनू। ऊंचा बोलो। अम्मी उन्हें मारदे सी ना डांटना पर डर के। नहीं मामी है मेरी, सगी नहीं है। सगी अम्मी नहीं है जी। तुमने शादी भाग के कर ली? जी। मैं के हालात से तंग आ जी। ऊंचा बताओ। जी घर दे हालात तो तंग आके मैं शादी इन्हां ना कर ली सी। कर ली जी। फिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि खावंत के होते हुए, जवान खावंत के होते हुए तुमने 58 साल के एक बूढ़े के साथ तल्लक रख लिया? बहुत मारदे हुंदे सी ते काम ते नहीं जांदे सी। जो तुम्हें मारेगा तुम उसका घर छोड़ के आगे चल पड़ोगी? काम ते नहीं जांदे सी। तुम्हें शादी करते हुए नहीं पता था? नहीं उदो इन्हां दी मोटरसाइकिलां दी दुकान सी। यानी कि अगर खावंत के हालात खराब है तो हर औरत को कहोगी आगे चल पड़? नहीं जी इन्ने भी खराब ना होने के बंदा इस तरह मारे कि एक दफा मजदूरी कर लेती। मेहनत मजदूरी की करनी? मैं मेरा आईडी कार्ड नहीं है, मेल विच भी कहते जॉब नहीं मिलती। घरों में तो मिल जाती है ना, हुनर सीख लेती कपड़े का। एक नहीं करने देता इन्होंने। तुम्हें इतनी की इजाजत थी कि तुम बाहर जाके किसी मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती थी लेकिन हुनर सीखने के लिए नहीं जा सकती थी, समझ नहीं आ रही बात? मैं इन्होंने जो भी कहती कि मैंने तलाक दे दो ये बहुत ज्यादा मारते होंगे। क्यों मांगती थी? निभा करने की भी कोशिश कर सकती थी, अभी नई शादी थी। नहीं जी मैं पूरा साल डेढ़ साल देखे हैं। मैं मर्द के खिलाफ जरूर हूँ लेकिन मैं औरतों के भी खिलाफ हूँ जो आगे से आगे चल पड़ती है। नहीं जी मैं पूरे डेढ़ साल इन्होंने देखे कि हूँ भी काम करने लग जाएंगे, हूँ भी बंदे बन जाएंगे लेकिन। डेढ़ साल तुम्हारी शादी कार सा बीत गया, ऐसे में तुम्हारा शौहर निकम्मा था, तुम्हें मारता था, तो बीबी किसी और का हाथ पकड़ के चलने की बजाय तुम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाती, दारुल अमान चली जाती। लेकिन क्या शादीशुदा औरत को किसी भी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात की इजाज़त कानून देता है या शरीयत देती है? क्यों आप भी खातून समझती देती है? जी बिल्कुल नहीं देती। औरत के पास खुला का इख्तियार है? बिल्कुल। खामद उसका अच्छा नहीं है वो खुला ले सकता है? जी बिल्कुल। और खुला ले सकती है? बिल्कुल इसी तरह। लेकिन क्या किसी शादी किसी के निकाह में रहते हुए मनकूहा होने के बाद आप कहें मेरा खामद कमाता नहीं है इसलिए मैंने फलां के साथ ताल्लुकात रख लिए, क्या कानून इजाजत देगा इस बात? बिल्कुल ना तो कानून देता है ना ही हमारा इस्लाम इजाजत देता है। ना कानून देता है ना दीन। इन्हें तो मैं 3-4 महीने तो तलाक मांग रही थी। मांग रही थी वो नहीं दे रहा था, लेकिन जब तक वो नहीं दे रहा था या तलाक नहीं हो रही थी तब तक तुम उसकी बीवी थी और उस वक्त तक तुमने रहना था जब तक तुम्हारी तलाक है वो 3 नोटिस और 3 माह का टाइम भी पूरा ना हो जाता। जी जी मैं इन्होंने को मार खा के इन्होंने घर रही रही लेकिन ये हूँ बहुत ज़्यादा मारा। रशीद ना मेरा उदा ताल्लुक भी नहीं सी है, मारदे सी पहला ही ते हूँ मैं घर इसलिए नहीं सी रही, मैं तो डर लगता सी बहुत ज़्यादा, छुरी चाके कहते सी। तुम रहती थी वो भी तो मर्द था, उसकी मोहब्बत पे अंधा यकीन कैसे हो गया? क्या पहले भी किसी की मोहब्बत पे यकीन करके तुम घर से भागी थी? जी लेकिन मैं जेड़ा इतबार इनते कीता सीगा वो थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं इतमाद करके आ तो गई सी इनते लेकिन इतमाद लायक नहीं सी। अगला बंदा था वो फरिश्ता था उन मेरे सामने जिस तरह दे भी कहंदे कि नशा वेदा सी ये वो लेकिन मैंने उस गल दा बिल्कुल इलम नहीं सी। तुमने उसके साथ ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिए? लेकिन मैं उन्होंने यही कहने शुरू तक मैं शादी करनी है मैनू तुसी अदालत विच लेके जाओ। तकरीबन महीने तो महीना मेरी फोन ते गल होई उन्हां नाल ते मेन तुम्हारे पास इतनी स्पेस थी कि तुम फोन पे बात कर सकती थी, तो तुम्हारा जबर तो नहीं था घर में? जी नहीं। तो चाहती तो कोई हुनर सीख सकती थी? हुनर मेरा सिलाई दा है लेकिन मेरी नजर कमजोर, बहुत ज्यादा सिलाई होंदी नहीं है। जितने फोन पे इजी पैसा पे बैलेंस लगाती थी, कार्ड डलवाती थी फोन के, उतने में चश्मा भी बन जाता। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास? इंसान की आंखों पे जब इश्क की पट्टी बनती है तो उसे नजर कुछ नहीं आ रहा होता। आज समझ आ रही है ना कि क्या हुआ है? तुम्हारे खामत को कब पता चला? 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले जी। तुमने प्लान किया खामत के साथ मिलके उसको मारने का? जी नहीं, मेरे इल्म में चीनी सी है कि मार देंगे उन्हें। खामत को जब पता चला तो उसने तुम्हें छोड़ दिया? मार दे होंगे सी फिर उन्होंने कोल में रहना बंद करता। फिर तुम कहाँ चली गई? रशीद कोल। फिर रशीद मैनू तलत वकील मुंशी को लै गए कि तलाक करवाने वास्ते। इन्हां नूं पता चल गया सीगा कि मैं तलाक लै रही हाँ। इन्हां ने मेरी अम्मी उन्हां नूं फोन किया कि आके लै जाओ इन्हों, तो मेरी अम्मी उन्हें फिर मैं लै गए सी। इन्हां ने पिछों उन्होंने कतल किया, मैनू नहीं पता कदों किया। तो ड्रामेबाजी नहीं चल रही, सच चलना। हाँ जी मैनू नहीं पता कदों किया कदों इन्हां ने नहीं किया।
ऐसी कौन सी बात तुमने खामत को बता दी थी या उसने कैसा क्या देख लिया था? पहले मैं रशीद को लांदी सी ते पैसे वगैरह लेंदे सी उन्हां कोल ते चीज के पैसे मैनू नहीं पता है तो हुन पता हुन दस दे पता था कि तुम्हारा नाजायज ताल्लुक आ गया और तुम्हारे आशना के पास जाकर वो उससे पैसे भी बटोरता था उन्हां दे इलम विच है सी है अच्छा ते यानी कि मिलके खा रहे थे लेकिन ये कहंदे सी कि मैं उन्हां को तलाक ना लावां जदों तो मैं तलाक मंगनी शुरू करती ये लड़ाई उदों तो शुरू हुई है जो तो तलाक मंगनी शुरू करती इन्होंने मैं मारना शुरू करता और यही वजह है कि इसी वजह तो उन्होंने कतल किया कि मैं को तलाक मांग रही सी इस अगर इसलिए कतल करता तो मैं कोने से डरता तो ये थ्रेट तुम्हें देता जी यही तो वजह है कि मैंने क्यों नहीं मारिया इन्होंने नाल समझ नहीं आ रही ना बात जी मतलब तुम शामिल भी हो सकती हो नहीं मैम मैं तकरीबन जिस दिन कर गई हाँ बहुत दिन सी गया बुध वाले दिन मेरी अम्मी अबू आके मैं पिछले लै गए तो इनू ही आसफ नजन के जो मेरे अम्मी है इनू भी क्या तू नाल चल नहीं हुई सी मेरी अम्मी कह रही थी कि जाके तलाक उत्थे करवानी तेरी इतने नहीं करवानी मेरी अम्मी कहती आसफ तू साडा घर नाल नाल ही है मेरे मियाँ का तो मेरा इनके अम्मी अबू भी आए तो मेरे भी इनके अम्मी अबू इनू लैन आए थे तो उन्होंने ये गल कही कि तलाक करवानी जो भी करवाना उत्थे जाके करवाइयो घर तो आसफ तू ही नाल चल आसफ ने यह गल कही कि अम्मी तुम हिफदा एक दफ़ा लै चलो जानी कि मैं तो मैं समान वगैरह क्लोज करके कल नू आ जाऊँगा अम्मी उन्हें कहते ठीक है तू चार पाइया वगैरह जो भी लैके आना तो सुबह तक पहुँच आवी तू इन्हें कहा ठीक आ तीन दिन बाद गया वा तो इन्हें जाके नहीं दसिया कि मैं कतल करके आया मैं उस दिन कतल का पता चल गया कि रशीद कतल हो गया जिस दिन मैं पुलिस पकड़ के लिया इतने जी नहीं इन्होंने दसिया नहीं मेरा मैं तकरीबन जिस दिन पहुंची हाँ जमेरात दिन बहुत दल दिन में गई हाँ जमेरात वाले दिन 9:30 बजे तो मैं नंबर ट्राई किया रशीद का लेकिन नहीं मिल रहा मैं समझी कि वह मेरे ना धोखा कर रहा है जिस वजह तो उन्हें नंबर बंद कर रहा और नहीं हूँ मेरे गल करना चाह रहा मैं समझी मेरा आस पास नहीं मेरा किसी को नंबर ना मैं किसा लिया उन्हें तो अलावा ना उन्हें भैन भाई मेरे उन्होंने घर आनी जानी है सी उन्होंने वालदा नाल भी भैन भाइयों नाल लेकिन मैं नंबर कभी नहीं सी लिया बस यही गलती होगी कि मैं नंबर नहीं लिया उन्होंने अभी भी कह रही हो गलती होगी तुमसे तो बीबी गुनाह हुआ है जी बिल्कुल क्योंकि अगर पहले पता चल सच बोल रही है इसमें झूठ का अंतर कितना शामिल है हमारे साथ दिलजीत कौशल भी मौजूद हैं आप इसके साथ रहती हैं हर वक्त कोई ऐसी बात इसने आपसे की हो जिसमें आपको लगा हो कि ये अभी झूठ बोल रही है और आपको इसने लगी में कुछ सच भी बताया नहीं इस तरह की तो कोई बात नहीं मतलब इसने बताई और जहाँ तक हम कह रही है ये सब ऐसे ही है बिल्कुल इस जी बिल्कुल यही है चेंज तो नहीं हो रहे नहीं बिल्कुल भी नहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रही नहीं बस जो चीज़ ये बता रही है कि इसके अम्मी अबू की डेथ हो गई तो मामी मामा भी मारते थे मैंने स्टेप ले लिया भागने का मियाँ के पास आई मियाँ ने भी वही मार पीट ये बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक अभी तक ये खातून कितना सच बोल रही है क्योंकि बहुत सारे मुलजमान हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि इस कदर शातिर होते हैं कि उनको जितना मर्जी ब्रेक करने की कोशिश की जाए वो अपने आसार शकन नहीं होने सच्चाई क्या है वो तो प्रोग्राम के अख्ताम में हम आपके सामने ला कर रहेंगे आगे बढ़ते हैं मरकजी किरदार की तरफ उसके मुँह से होशरुबा इंकशाफात आपको सुनवाते हैं वालेकुम सलाम जी मक्तूल आपका क्या लगता था मेरा भाई से जी कजन चाचा का बेटा कजन चाचा का बेटा कजन चाचा का हां जी मक्तूल के अपने बहन भाई नहीं है नहीं है जी भाई भी है ने वो दूर से अच्छा मैं भी इधर रहना गुलबर्ग का अच्छा ते फिर जिंदे कोले रहंदा सरदार तलत दा मेरे बड़े अच्छे तलकाज सी एडवोकेट नाल उंदे घर ही रहंदा ही इंदी शादी नहीं हुई है जी हाँ जी आप जानते थे कि आपका भाई उस कजन किसी शादीशुदा औरत के साथ ताल्लुकात में है नहीं ये नहीं पता कभी घर में जिक्र किया हो या उसके घर वालों में से किसी को पता हो नहीं जी नहीं जो आपके कजन के साथ हुआ यकीनन वो गलत है कानूनी हाँ जी शरई तौर पर उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि कत्ल का इख्तियार अल्लाह ने जमीन पर किसी को नहीं दिया जी लेकिन कातिल को इस हद तक उसने मजबूर कर दिया जो गुनाह उसका था उसको कातिल की तो जो सजा होगी वो कानून उसे देगा लेकिन जो गुनाह वो करता आ रहा था एक शादीशुदा औरत का घर खराब करना उसे इस नहज तक ले आना कि वो अपने शौहर के साथ दूरी इख्तियार करे
नहीं नहीं मैडम ऐसी कोई गल नहीं। तो हकीकत क्या है? ये जो अपना कातल है ये उधरों आया बावल नगर वालों, इनका दोस्त बनया आके, इनका दोस्त बनया, इन्हें आख्या जी मैं दूर दा आया तो मैनू कोई मकान इत्थे किराए ते लै दे, इन्हें मकान किराए ते लै दिता ते इत्थों इन्हां तलक बन गया। किसके साथ? अपना रशीद के साथ। या उसकी बीवी के साथ? नहीं नहीं रशीद के साथ। अच्छा। इत्थों पता नहीं की मसला बनया या की नहीं, तो इन्हें मेरे भाई नूं जिहड़ा उह कतल कर दिता। तो मेरी रिक्वेस्ट है भी यह सजाए मौत होना चाहिए। मैं SHO साहब अगे भी रिक्वेस्ट करना है, तो ताडे अगे भी, तो वजीरे आजम अगे भी, तो सदरे पाकिस्तान अगे भी रिक्वेस्ट करना भी ये जेड़ा कातल है ये सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए। ये तो समझ नहीं आई भी क्यों मारा, कोई शह नहीं। सुनने च यही आई है भी ओह जी औरत है वह उनके ते मुतमिन नहीं सी, आपके मिये से उनके नाल नस के आई उतों। हाँ जी भाग के आई। हाँ फिर हो गया उन्हें जहर, इन्ना ही पता है, तू ज्यादा नहीं पता। ये तो दूजे दिन जेड़ा ना पता लगा, इत्थे आया तो कुंडी लगी सी, तो दरवाजा जेड़ा वो अंदरों लाग सी, फिर आंढ गुआंढ पुछया रौला पाया, फिर पता लगा भी जेले 15 ते कॉल की पुलिस गई है, दरवाजा तोड़िया तो अंदर कतल होया पिया। हाँ जी उनका गला दबा के जेड़ा ना जी वो मारिया सी उन्हें, फिर उनका ना दिता गया जी। अच्छा। मेरे भाई का। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी बड़ी बेदर्दी ना मारिया। उस दौरान आसपास से आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ डकैती हुई है या कोई इस तरह का मामला हुआ है? शक किस पे गया आपको? शक जेड़ा ना ये जेड़ा कातल है इन्दे कोई इत्थे जदों आके रहा है 2-2.5 महीने हो गए 3 इत्थे रहिंदे नूं, इन्दे नाल जेड़े कोई बेली सज्जन सी फिर उन्हें शक पिया, उन्हां नूं पुलिस ने फड़िया ते उन्हां अगे आख्या भी यह मसला, फिर रात जेड़ा पता लगा भी यह गलबात भी दोवें जी इन्दे कोल आंदे जांदे ही हो सकता उन्हें मारिया होवे। क्यों वो इतने मसूक से बात क्यों कह सकते थे? क्योंकि क्या इनका लड़ाई झगड़ा होता था आपस में जब आते जाते थे? ज़ाहिर है लड़ाई झगड़ा भी होना। अच्छा। जे उनकी बीवी नाल जो उनके तलकात बन गया तो हो सकता कोई लड़ाई झगड़ा भी होया होवे, शायद सानू नहीं पता। नहीं पता। हाँ जी। कितनी उम्र थी आपकी कजिन की? ऐसी कोई 58 साल। 58 साल? हाँ जी। बस उन्हें नहीं कराई, आंदा मैं शादी नहीं करानी, इधर ही रहिंदा है सरदार तलत के अगर किसी और साथ ही रहिंदा है। ताल्लुकात थे तो इसका मतलब था कि वो इस इन ताल्लुकात को शरई तौर पर भी तो रख सकता था ना शादी करके। हाँ जी। तो वो अगर इस तरह उसका जहन इस तरफ चल रहा था, उस पे शैतानियां आ रही थी, तो वो शादी की डिमांड भी कर सकता था, उसने शादी क्यों नहीं किया? नहीं नहीं शादी की डिमांड तो फिर उन्हें पता लगा ना की है। की है? हाँ जी। किससे? ये लड़की के साथ। हाँ जी। इससे पहले शादी? ना दावा किया सी। इससे पहले शादी क्यों नहीं की उसने? कोई उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई लड़ाई, लड़ाई झगड़ा नहीं, वैसे ही वो इनके सरदार को ही रहिंदा है, तो आंदा मैं अपनी जिंदगी सारी इत्थे बसर करनी। इस लड़की से मोहब्बत करने के बाद उसने शादी की ऑफर की? हाँ जी। अच्छा फिर 58 साल की उम्र में मोहब्बत हुई उसे? हाँ जी। कितना अर्सा ताल्लुकात रहे इनके? तकरीबन कोई 3-4 माह। 3-4 माह? हाँ जी। हाँ जी। उस दौरान क्या कोई तोहफे तहाइफ का तबादला भी होता रहा, पैसों का भी होता रहा? नहीं ये शायद नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। जिनके पास वो काम करता था आपका कजन, उनको किसी बात का पता था, उसने उनसे शेयर की हो? नहीं ये शायद अभी नहीं पता। नहीं पता। हाँ जी। आपका सिर्फ मुतालबा ये है कि जो आपके कजन ने किया उसका अमल वो खुद जानता था या अल्लाह जानता? जी अल्लाह जानता। उसके साथ जो कुछ हुआ उसके मुताबिक उसके कातिल को सजा मिले? सजा मिले। आपने वो लड़की जो उसकी महबूबा थी? हाँ जी। वो तो उस कत्ल में मुलव्वस नहीं थी, उसे नामजद क्यों किया? वो उसका नाम क्यों दिया? नहीं वो सांता नहीं पता भी है मसला, वो तो बाद में पता चलिया ना जी। अब आपको लगता है कि वो बेगुनाह है? नहीं ये तो पुलिस तफ्तीश करे दी, जे बेगना हुई तो बेगना पाई जाए दी, नहीं तो कत्ल में वो शामिल है?
हजार लगता है आपको? हाँ जी हो सकता, दो जिया दी कोई प्लानिंग हो सकती। प्लानिंग की वजह समझ नहीं आती? नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई गल नहीं। हाँ जी, कोई लेन देन नहीं, कोई रिश्ते का मामला नहीं, नहीं सिर्फ एक मोहब्बत। अगर मोहब्बत पे कत्ल होता तो मर्द अकेला मुलव्वस है। हाँ, लेकिन अगर आपको औरत पे भी शक है तो उसकी कोई वजह तो समझ आती होगी आपको, जो कड़ी से कड़ी मिला के कहते हैं कि औरत भी शामिल हो सकती है। नहीं, वह तो इवें साबित होंदा ने, जे उन्होंने पूछया साहब ने, मैं आया दराने तफ्तीश टैरोकेशन की अफसर ने भी, वह तो कहती मैं नाल नहीं, इकला ही मैं पेकियां दे चली गई सा। औरत दे जबानी तो यही है। औरत कहती है कि मैं साथ नहीं थी, मैं अपने मायके में थी और मेरे शौहर ने ही सब कुछ किया। हाँ जी, आप मुदई हैं, आपका मुतालबा आपकी जगह पर आकर देखूँ तो या कानूनी सतह पर देखूँ बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हकाई क्या है? खातून की जुबान भी आप सुन चुके हैं, उसका इकबाल जुर्म से लेकर उसके हकाई क्या है अभी तक सब आप सुन चुके हैं। खातून ने क्या क्या बताया, कैसे वो गोलमोल बयान देती है, ये भी हमारी आवाम सुन चुकी। मुलई क्या कहते हैं, ये भी हम आपके गोश गवार कर चुके हैं। असल मुलजम से आपको सच सुनवाना बाकी है। आइए आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में लेके चलते हैं। वालेकुम, आप लोग अहले इलाका हैं यहाँ पे? जी। तो ये खातून और ये जो इस वक्त कत्ल हो गया शख्स, जी जी, वो और साथ जो कातिल है, जी, सब लोगों के किरदार कैसे थे? वो तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ज्यादा, जो कत्ल हो गया। जी। अच्छा, ते ये लोग बहुत ज्यादा इस लोगों ने जाती की है, ते उल्टा वो खातून का किरदार कैसा था? उसका भी बहुत ज्यादा ना कुछ खराब ही था। अच्छा, और जो कातिल है उसका? कातिल तो बहुत ज्यादा ही है ना। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, जो इसको फांसी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? कातिल को फांसी होनी चाहिए। जी, जो पुलिस है जो बहुत अच्छा तामन कर रही है। अच्छा, पुलिस की जो बहुत ज्यादा अच्छा तामन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप इस इलाके से काउंसलर भी हैं, जी जी, सियासी रहनुमा हैं। जी जी। तो आपके इलाके में जो ये वाकया हुआ, ऐसे में कातिल का किरदार कैसा था? वो जो खातून थी उसकी बीवी, वो कैसी थी? आपको तो ज्यादा पता होगा क्योंकि लोगों का आना जाना है आपके पास। और वो जो कत्ल हो गया मकतूल, बेचारा कैसा था? कातिल का किरदार ठीक नहीं था, नहीं था उसकी बीवी है। उसका किरदार भी ठीक नहीं था। अच्छा। लेकिन वो जो कत्ल किया उसने, वो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि चंद ही दिनों में उसका जो है ना, वो पुलिस ने वो ट्रेस कर लिया है, मुजरिम पकड़ लिया। सजा मिलनी चाहिए उसके, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ सजा मौत होनी चाहिए जिसने कत्ल किया है। हाँ जी, गैरत के नाम पर इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर दे, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक किसी भी जुमले में किया जाए, पूरी इंसानियत का कत्ल। जी बेशक, ना रब देता है ना कानून देता है। जी बेशक, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया उसको। ऐसी कत्ल की वजूहात पीछे क्या होती है? गैरत का मामला होता है, जब औरतें बर्दाश्त नहीं होता ना, जब कोई ऐसा मामला होता है गैरत के नाम पर लोग फिर कत्ल कर देते हैं। हाँ जी, और ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा, गिरफ्तार किया है। कातिल के साथ क्या होना चाहिए? उसको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। ठीक, कातिल को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। अहले इलाका का भी मुतालबा यही है और मेरा भी यही है। और हमारे जो बावर्दी अफसरान और उनकी टीम्स ये तमाम काम करती हैं, तो यकीनन वो सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए नहीं करती, वो इसीलिए करते हैं ये गुनाह, ये जराइम का जड़ से खात्मा हो सके, इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सके। आप हमें बता रहे थे कि इनका किरदार ठीक नहीं था, इसका कब से आना जाना था मकतूल के घर पे? सुनने में आया कि कातिल नशे ही था और नशा लेने आता था। जी, काफ़ी देर से था। अच्छा। आ जाता था तो बाद चो पता नहीं क्या वो करता था, क्या नहीं हमें कोई मालूम नहीं। कातिल नशे ही था? हाँ जी। नशा नशा लेने आता था? नशा लेने आता। तो क्या मकतूल मंशियात का काम करता था? जी। अच्छा, तो आप लोगों ने मोहल्ले में कभी रोका नहीं कि ये सब ना हो? नहीं, वकील की कोठी थी। अच्छा, तो इसलिए हम लोग नहीं पता नहीं करते थे। यानी कि कानून जहाँ पर हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जी। अच्छा, आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, किरदार कैसा था कातिल का, उसकी बीवी का? वो तो किरदार ठीक नहीं था उनका। अच्छा, कब से आना जाना था कातिल की बीवी का? पता चलता है कि काफी देर से था उनका आना जाना। अच्छा, में तल्लुक कोई इनके आपस में इख्तलाफात भी थे दोनों मियां बीवी के? हाँ, कुछ पता चला था कि कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफ भी है। कातिल मंशियात का आदी था? जी, ऐसा ही मालूम हुआ है कि नशा लेने भी आता था। हाँ, जरा यही बताते हैं कि वो जो है ना मंशियात का आदी था और वो नशा लेने भी आता था। जिस दिन ये कत्ल हुआ, आप लोगों में से किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं, पता नहीं चला इस वक्त। किसी किस्म की कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी भी नहीं देखी? नहीं, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? नहीं। अच्छा, आप लोग उस वक्त कहाँ थे सारे? हम लोग इधर साइड पे थे उस वक्त, इधर नहीं थे इस इलाके। नहीं, यहाँ चाहिए कातिल के साथ, कातिल को सजा मिलनी चाहिए और उसकी बीवी को।
उसकी बीवी को भी जो सजा मिलनी चाहिए, जो अगर उसने गलत किया तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल गलत है, दीन भी इजाजत नहीं देता, कानून भी नहीं देता। बिल्कुल डिवोर्स ले जाते थे, बिल्कुल जो कुछ उसकी बीवी ने किया यकीनन वो इतना बड़ा गुनाह था कि उसकी सजा सब ने भुगती। उसका घर उजड़ गया, शौहर कातिल बन गया, एक दुनिया से चला गया, दुनिया में रुसवाई अलग से हो गई। इंसान गलती करते सोचता नहीं कि उसे इसका खमियाजा दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। आखिरत में तो जो होगा होगा, लेकिन जो रुसवाई दीन में, लेकिन जो रुसवाई दुनिया में हो जाती है वो शायद नाकाबिले फरामोश हो। खुदारा कुछ भी करने से पहले अपना और अपने प्यारों का, अपने खानदान का जरूर सोचिए। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, प्रोग्राम में आपको आगे दिखाते हैं। स्कैन साहब, यकीनन अपनी नोयत का ये एक संगीन केस था और ब्लाइंड मर्डर था। कैसे ट्रेस हुआ, डिग आउट कैसे किया गया, ये मुलजम बहावल नगर तक कैसे भागे, वहाँ से फिर इनको रेस्क्यू करके कैसे, वहाँ से इनको ट्रेस करके कैसे लाया गया? ये 11 मार्च को जब 15 की कॉल हुई कि घर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, हम वहाँ पे गए, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर से डेड बॉडी देखी तो बड़ी गुफ्ता बह हाल थी इसकी। मर्डर हुआ था, उसके बाद जो उसका जो टूल था वो कट ऑफ करके उसकी बेली के ऊपर रखा हुआ था, तो बड़ा मिजरेबल किस्म की कंडीशन थी उस वक्त। फौरी तौर पे हमने जो भी साइंटिफिकली जो मॉडर्न टेक्निक्स थी वो यूज़ की, जियो फेंसिंग की, सीसीटीवी फुटेज थी वो हमने देखी। इसके साथ साथ हमने जो हमारा रवायती तरीक़ेकार है, इन्फॉर्मर्स डिप्यूट किए और इर्द गिर्द की आबादियों से इसके मतलब हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की। चूँकि ये अकेला रहता था इस वजह से हमारे पास कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस और ब्लाइंड मर्डर था, ब्लंट था बिल्कुल ये। तो हमें ये पता चला कि 6-7 दिन से इसके साथ एक लड़की फिर रही है। तो उसके मतलब किसी को नहीं पता था ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। सिर्फ एक बंदे ने ये क्लू दिया कि हमें ये बताया इस बच्ची ने कि हम किराए पे रहते हैं और फिरोजपुर रोड पे एक पुराना सिखों का मकान है, तो उसके करीब हमारी रहायश है। हम अल्लाह का नाम लेके चल पड़े फिरोजपुर रोड पे, सबसे पहले पक्की हवेली आता है वहाँ पे, मेन के ऊपर सिखों के ज़माने का मकान है, वो देखा वहाँ पे, सर्चिंग की, लेकिन इस गेटअप के कोई हमें कपल नज़र नहीं आया, ना पता चला। उसके बाद एक अगला स्टाप आता है नबी बख्श डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे मेन के ऊपर हम नज़र आया कि सिखों के मकान है। वहाँ पे कुछ 100 से ज़्यादा जो घर थे उनकी हमने सर्चिंग की, उनसे मर्दमशुमारी टाइप हम पूछते गए, करते गए। उसके बाद हमें पता चला कि इस गेटअप के लोग इसी एरिया में 1-1.5 माह पहले थे, अब नहीं है। हमने उस मकान के पास गया जो जहाँ पे ये थे, वहाँ पे जब बताया, इनके पार्टिकुलर्स बताए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये थे हमारे पास, लेकिन ये 1.5 माह पहले जा चुके हैं। हमने फौरी तौर पर इनकी जो किराएदारी का था फॉर्म वो निकलवाया, उससे इनका आईडी कार्ड लिया, वहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। जब ज़िला बहावल नगर, तहसील हरून आबाद, और इसके आगे एक गाँव है मदरसा, मदरसे गाँव के थे ये। मामला ये था कि ये जो लड़की है हिफ्सा, ये जाती है ललियानी मुस्तफाबाद शॉपिंग के लिए, उसको वही इलाका लगता है और ये बेसिकली मुस्तफाबाद का था, वहाँ से इसका उसके साथ चक्कर स्टार्ट हुआ। शख्स की उम्र कितनी थी जो मक्तूल है? ये 55-58 के राउंड अबाउट थी, ये 19 साल की थी। इन्होंने एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज किए, नंबर एक्सचेंज करते हुए बात आगे बढ़ गई, वो बच्ची छोड़ के आ गई। हिफ्सा का जो शौहर है मौजूदा, जो कातिल है इस वक्त, ये क्या नशाई और इस टाइप का था कि वो तंग? हाँ, स्टफ लेता है ये। अच्छा। ये पता यही चला कि चर्स वगैरह पीता है, स्टफ लेता है, तो ये इसके पास आ गई। इसके पास 8-9 दिन रही और मीनवाइल उस इन्होंने ये प्लान बना लिया कि हम डिवोर्स लेंगे, डिवोर्स लेके शादी कर लेंगे। इस प्लान का जब आसफ मुलजम को पता चला, इसने फौरी तौर पे अपने माँ बाप और हिफ्सा के माँ बाप को भेजा इनके पास, वो हिफ्सा को लेके चले गए। जिस दिन वो गए उस रात को ये इसके घर आ जाता है, रात को इसके पास स्टे करता है और सुबह जब देखता है कि ये अपने होश में नहीं है तो उजारबंद से इसका गला दबाता है, उसके बाद वहीं से छुरी लेता है, इसका टूल काट के तो इसके ऊपर रख के तो वहाँ से स्किप कर जाता है। अब जब हमें इसका कैसे पता चला कि वहाँ से जब हमने इसका आईडी कार्ड लिया तो इसके जितने नंबर थे उसकी डिटेल ले ली, उनकी सीरियल ली, तो उसकी लोकेशन इधर की आ रही थी। सेकंडली जब हमने उस स्पेसिफिक लोकेशन की घर की जब जियो फेंसिंग करवाई, उसमें भी ये नंबर आ रहा था, जिस वक्त वकुआ हुआ ये नंबर उधर था।
तो ये जो हमारा शक था वो फिर पक में कन्वर्ट हो गया, हमें पता चल गया कि असल कातिल ही है। फिर हमने फौरी तौर पर एक टीम जो है वो बनाई, जिसको डिस्पैच किया और ये 7-8 दिन वहाँ पे रहे और वहीं से 7-8 दिन अपने इन्फॉर्मर्स डिप्यूट करके ये वहाँ से भी स्किप कर गए कि साइड पे रह रहे थे, वहाँ से फिर अरेस्ट कर दिया। नहीं, वो उसके कत्ल में मुलव्वस नहीं है, इसके इल्म में नहीं, लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन यही थी, लेकिन इसके इल्म में नहीं था। लेकिन कानूनी तौर पर तो हिर्जा भी मुजरिम है कि निकाह में रहते हो किसी शख्स से नाजायज तरीके से रह रही थी, तो उसके इस गुनाह इस जुर्म की वजह से मामला इस नहज तक पहुंच गया, इसलिए ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है। तो फिलहाल तो हम 302 को टच करेंगे ताकि मेन जो जुर्म है वो यही है। कातिल को सजा भी मिलनी चाहिए। मैं भी आपके साथ हूं। कातिल की तरफ चलते हैं, हकायक सुनवाते हैं कि उसकी बीवी उसके साथ अगर मुलव्वस नहीं थी तो फिर बीवी को एक रात पहले उसने यहां से रवाना क्यों किया? ये मेरी दूसरी शादी थी। पहली बीवी कहां है? पहली बीवी आज सन 2014 में छोड़ दी थी, रिश्तेदार थी वो भी। वो तुम्हें छोड़ गई? जी। और ये भी छोड़ के जाना चाहती थी? इसका मतलब अमाल तो तुम्हारे सीधे नहीं है फिर? नहीं मैडम, मैं काम भी करता था उधर, मैं बाइक मोटरसाइकिल वर्कशॉप थी मेरी, और इधर काम करना ही फ्राइज में आता है। तुम तशद्दुद करते थे बीवी के ऊपर? नहीं, ये अभी तकरीबन दो महीने चल रहे थे, हमें लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तुम्हें जिस पे शक था उससे बीवी के नाम के पैसे मांगते थे जाके? मैडम मैंने उनसे 1500 रुपया लिया था और वो उसमें वही 1500 मैं उसको वापस करना चाह रहा था और उसने ऐसी मुझे गलत बात की है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया उस पर। मेरी तो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, जानता भी नहीं था। दो दिन आखिर आ गई थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मोहब्बत की शादी करके आई है और तुमसे फिर इतनी तंगों के तलाक मांगे, और एक 58 साल का बुजुर्ग जिसके पास वो अपना शेल्टर ढूंढे, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी? मैडम समझाओ ना मुझे। मैडम नौजवान नहीं था जिसके साथ उसको मोहब्बत हो गई थी? 58 साल का बाबा था। मैडम उसको नशे पे आइस पे लगाया था इन्होंने। किसने? ये इसी रशीद ने। तो तुम्हारी नशे वाली बजाती है, उसका चेहरा तो ग्लो कर रहा है। तो सोया नहीं हूँ दो दिन से। क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आती इधर। हाँ तो कत्ल करने के बाद किसको नींद आती है? जमीर का जिंदा होना जरूरी है, पता नहीं तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। सारा मामला क्या था? मुझे पटर पटर खुद ही सुना। मामला मैडम यही था कि मैंने जब तुमने इस लड़की को देखा, कहां से फसाया, कैसे लेके भागे, क्या हुआ? ये मेरी मोहल्लेदार थी उधर, तीसरा घर इनका है। कहां पे? जिला बहावलनगर हरुणाबाद शहर। अच्छा। में तीसरा घर था इनका, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। और आज दो साल पहले जो है ना हमने शादी की है। अच्छा। और उसी वक्त मैं इनको इधर लेके आ गया कंपनी में। इधर भी मुझे 2-2.5 साल से तकरीबन मैं इधर कंपनी में काम कर रहा था, और बाहर मैंने फिर मकान किराए पे लिया हुआ था, उधर ही हम रहते थे। और एक मुझसे ये सिर्फ बाजार जाती थी या दवाई वगैरह लेने जाती थी। असल बात झगड़ा हमारा सिर्फ 2 महीने में हम सिर्फ 3 दफ़ा झगड़ा किया है। 2 साल हो गया मेरी शादी को, इससे पहले ना हम कभी झगड़ा ही किया है हमने, और ना हम किसी वजह से तंग भी थे। मैडम तंग की वजह तो कोई अगर कोई होती तो मुझे पहले पता चलता, मुझसे तो सिर्फ बाजार। ये रशीद को जानने के बारे में झगड़े की वजह से कर रहे थे। कौन सी आखिर आ गई कि तुम्हारी 1.5 साल लड़ाई नहीं हुई और 2 माह में लड़ाई शुरू होगी, बीवी तुमसे तंग आकर तलाक मांग रही थी तो भाई दे देते? एक मैडम घर जाती तो मैं देता ना, घर वाले को बुला के इधर से इसको लेके गए हैं वो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? ये वापस नहीं जा रहा, लेकिन पीछे घर वाले तो मुझे तुम तलाक देने के बाद उसके मैडम अब्बू लगते थे। तुमने तलाक दे दी, बात खत्म। जी तुम जानते थे कि उसका नाजायज ताल्लुक है फलां फलां के साथ, मामला चल रहे हैं, तुम्हारी गैरत गवारा नहीं कर रही थी, तो भाई शरीयत ने इजाजत दी है तुम। मैडम घर जाती तो मैं छोड़ता। टोपी पहन लेने से दीन के करीब हो जाना नहीं होता? जी दीन पे अमल भी करना पड़ता। घर जाती तो मैडम देता, इसको इधर थोड़ी ना छोड़ता। घर वाले फिर मुझसे पूछते, घर वाले तो तुमसे तब पूछते जब उन्होंने उंगली पकड़ के तुम्हारे हाथ में इसका हाथ थमाया होता। जी तुम तो लेके भागे थे, तुम तो पहले ही मुजरिम थे। उनके साथ सुलह हो गई थी मैडम हमारी, सुलह हो गई थी, बता देते मैंने तलाक दे दिया है, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। 19 साल की है, कानूनी बालिग है। लेकिन मुझे तो वो यही बोल रहे थे घर से, घर से लेके गए। उसकी फिक्र थी तो तलाक दे देते, उसको उसका बयान दिलवा देते। जी
लेकिन मुझे तो घर वालों ने बोला था घर पे, घर से लेके गए और घर से उसे कुछ नहीं कहा, तुम उसके आशना को कत्ल करने चले गए। इसको ले गए थे मैडम घर वाले, मैं उनको, मैं उसको भी नहीं मारता, मैंने उसके उससे 1500 रुपये लिया था, वो मैं उसको वापस देने लगा और उसने मुझे बोला कि मैंने पूरे कर लिए हैं। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वरना मैं भी सुबह चला जाता। अच्छा, पहले एक दिन मैं इनके साथ, मुझे पता था कि ये इधर है, जिस दिन मैंने इनका पीछा किया है, मैंने अगर उसके घर वालों को बुलाया, तुमने खुद ना? जी मैंने खुद बुलाया। इसका मतलब तुम्हारे ज़हन में कोई प्लान चल रहा था? मैंने सिर्फ इसको लेने के लिए, इधर से ले जाने के लिए बुलाया था। यहाँ से भेज के पीछे से अपने को कारस्ता नहीं करनी थी? जितने तुम सीधे सीधे बयान दे रहे हो, तुम सीधे नहीं हो इतने। मैडम उधर सामान पड़ा था मेरा, कपड़े वगैरह हम दोनों के, मेरे ये लेके गए थे, जब ये इधर थी मैं इसके कपड़े लेने आया हूँ, उस वक्त मैंने इसका पीछा किया। तो मैं इतनी की बात कर दी तो तुम उसे थप्पड़ मार लेते, उस दौरान उसे अनजाने में कोई बात, कोई चीज लगती और उसकी मौत वाकई हो जाती, ये तो बात समझ आती। तुमने जिस हद तक जाके क्रिमिनल एक्टिविटी की, उसके तुमने नाजुक अज़ा जिस्म के छुरी से काट डाले, इसका मतलब है कि तुम वहशत की इंतहा पर पहुंच चुके हुए थे और तुम प्लान करके गए थे, आले कत्ल तुम्हारे पास था। नहीं, वो छुरी जो है वो मैंने उधर से उठाई थी, मेरी नहीं थी। इतनी तेज छुरी घर में नहीं होती भाई, वर्ची से उठाई थी मैंने। प्याज काटने वाली छुरी या फल काटने वाली छुरी इतनी तेज नहीं होती, बेवकूफ किसी और को बनाना। और तो मैडम कुछ कोई वजह ही नहीं थी, मेरी उसके साथ कोई जाती दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ हम 2 दफा पहले मिले हैं हम, सही है, और मैंने वो भी एक दो दफा फोन पे रابطہ हुआ है और उसने मुझे बोला है कि स्टील बाग से आके ले जाओ। तुम कसाब के, तुम्हारी छुरी का वार इतना पक्का था कि बस हो गया, तुम्हारे हाथ से तो रोज बकरे ज़िबा होते हैं ना, तो तुम्हारा हाथ चला हुआ, किसी के इशारा कैसे काटनी है, उसको उसके जिस्म के नाजुक अज़ा कैसे काटने हैं, तुम्हारे लिए मामूली बात है, लगते गए पता चलता गया। तुम्हें अगर उसने लस्ट कह दिया, तुम उसे मारते पीटते, उसके जिस्म पे और ज़रबात होती, तुम उसे कुछ भी और कहते, उसको उसके चेहरे पर तुम घोंसे मारते, उसको टांग मारते, उसके पेट में कुछ भी होता ना, समझ आता कि तुम्हें गुस्से की शिद्दत और वक्ती तौर पे आया हुआ। मैडम ये प्लान का हिस्सा था, ये बात मुझे मेरी वाइफ ने बताई थी कि वो मुझे ऐसे ब्लैकमेल करता है और वो तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं करेगा। मुझे यही खतरा था, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये मुझे मारेगा। तुम करने क्या गए थे, इतना खतरा था तो 1500 किसी के हाथ भी तो भेज सकते थे। अब उसका तो अकाउंट भी नहीं था, नहीं तो मैं अकाउंट में देता। मैं इधर कसूर से ही हम अपने शहर में जाते हैं, लाहौर वाली साइड में नहीं जाते, और किसी को मैं जानता ही नहीं था इधर। तुम बहुत भोले हो, फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स किसी को नहीं जानता था यहाँ पे, वो उधर नबी बख्श मालिक मकान थे, अहले मोहल्ला थे, तुम किसी को नहीं जानते थे। उधर तो मैं जानता था मैडम, इधर इधर सिर्फ मैं इसी को जानता था। रह ले तो उसको आधा मोहल्ला जानने लग पड़ता। आंखें ऊपर करके बात करो, सच उगलो। प्लान कब से कर रहे थे? तकरीबन मैं जा, मुझे झूठ नहीं सुनना मैडम, ये आप उनसे भी पूछ ले। मुझे मैं तो किससे क्या पूछूं, मुझे सारी बात समझ में आ रही है। मुझे सिर्फ मैं इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूं तुम्हारे मोहल्ले से। मुझे सिर्फ 10 दिन तुम पहले से देते रहे हो पहले। मुझे सिर्फ 10 दिन पहले पता चला है और 5 दिन और 5 दिन प्लान कर रहे थे। 5 दिन से मैं इसके पीछे था और इसको इधर से ले जाने की सोच रहा था, क्योंकि मेरी वाइफ भी इसके घर पे थी। प्लान था तुम्हारा उस दिन सुबह बना है मैडम, पहले नहीं था। प्लान था, प्लान करके तुम उसके घर जान के गए, पैसे देने के बहाने से गए, जाकर तुमने उससे लड़ाई ली और उसके बाद तुमने उसे कत्ल करने के बाद फिर भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हुआ और तुमने छुरी से उसके जिस्म के नाजुक अज़ा काट दिए। प्लान तो मास्टर जो है ना मैडम, उस दिन पहले सुबह ही मेरा बना है, पहले मैं उसको मारने वाला नहीं था। यानी प्लान बना के गए ना उसके घर जाने से पहले? रात को तो मैं उसके पास उससे कपड़े लेने गया हूँ और उसके पैसे देने गया हूँ। प्लान तो बन गया ना, और उस इधर और मुझे कोई जानता नहीं था, रात में उधर ही रहा हूँ। यानी कि तुम उसके घर पे रहे, रात भर सोचते रहे क्या करना है, सुबह उठ के प्लान बनाया और फिर कर दिया। सुबह नाश्ता मैडम मैंने उसको बना के, मैंने उसको नाश्ता बना के दिया है। पहले तो हम बिल्कुल बैठे हुए थे और मैं जाने ही वाला था। जाहिल इंसान हो, तुम्हारी बीवी का आशना, तुम्हारी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात, ब्लैकमेलिंग की बात तुम्हें पता, तुम उसके घर रात रह रहे हो, उसके किचन से खाना बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, उसे खिला भी रहे हो। मैडम समझ नहीं आ रही बात मुझे। मैडम मैं पहले उसको जीत रहे थे, मैं उसको पहले मारने वाला नहीं था। मैं उसको पहले मारने वाला नहीं था, क्योंकि मैं तो उसका 1500 भी उसको दे रहा था, क्योंकि मैं उसको एक दफा पहले मैं इसको लेने गया हूँ इधर। मैंने सुबह अपने घर जाना था और इधर मुझे रुक जाते।
इधर मुझे वो मकान किराए पे था, चाबी भी मैं उसको दे के आया हूँ। तो पैसे देते इसको और अपने घर रवाना हो जाते, दिन रात बसें चलती हैं। वो सामान भी तो मैडम उठाना था ना, वही उठाते, मुझे दे रहे हो सामान रखा तो मैं खुद भी रह लेते। और इधर मेरे कपड़े वगैरह पड़े थे, इसके भी पड़े थे, मैंने वो लेने आया। इंसान हो, किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मैडम, उसे कत्ल करने के बाद क्या किया तुमने? उसके कत्ल करने के बाद मैं अपने घर चला गया हूँ, जिला बहावल नगर। मुतमईन होके आला कत्ल किधर किया? क्या चीज? छुरी। वो उधर ही रखी थी, लेके नहीं गई। जी, जाके बीवी को बताया? ये हमारे गिरफ्तार होने से 2 दिन पहले बताया था कि मैंने कत्ल कर दिया। जी, तुम्हारी बीवी के बकौल उसको तब पता चला जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है। पुलिस ने गिरफ्तार किया हमें 6वें दिन। उसी दिन उसको पता चला कि रशीद कत्ल हो गया? उससे 2 दिन पहले। ये तुम कह रहे हो? जी। एक तुम कातिल, ऊपर से तुम शदीद जरूरतमंद। गैरतमंद तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जो पैसे ले रहा है बीवी के नाम पर वो जरूरतमंद ही हो सकता है, लेकिन जिस तरह के तुम अभी तक गोल मोल मुझे जवाब दे रहे हो, झूठे भी तुम हो। अब फैसला अदालत ने करना है कि ये क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। इसने जो कुछ अभी तक हमें बताया कि अपने हर सवाल जवाब में खुद उलझ भी रहा है और अगले को उलझा भी रहा है। लेकिन ऐसे शातर मुल्ज़िम ये नहीं जानते कि जितने मर्जी झूठ बोल लें इसके पाँव नहीं होते, आखिर ये पकड़े जाते। जो कुछ इसने किया यकीनन वो इसके लिए भी इबरत है और देखने वालों के लिए भी इबरत है। और मैं अदालत से अपील करती हूँ कि ऐसे मुलजमान को कैफिर किरदार तक पहुँचा कर मिसाल रकम की जाए, ताकि कोई भी इस नहज तक जाते हुए 100 बार सोचे ये जंगल नहीं, हमारा वतन पाकिस्तान है, हमारा चमन है, इसे हम यूँ उजाड़ नहीं सकते। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।